आगे जी, जो फिफ्थ हमारे इसमें। पास इम्पोर्टेंट आ जाते हैं कंपोनेंट्स, हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दे आर एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से वहां पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पास हेप्टिक पोर्टल वेन के थ्रू आपके एब्जॉर्ब होकर लिवर तक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक से जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू द ब्लड प्लाज्मा। दीज इंक्लूड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट्स, कोलेस्ट्रोल, फॉस्फोलिपिड्स, विटामिन एंड मिनरल, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके कहाँ पे मौजूद है, आपके लिवर, आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद मौजूद है, वो सारी की सारी आपके पास क्या होता है एब्जॉर्ब होके आपके प्लाज्मा में आती है और वहां से लिवर तक जा रही थी। गैसेस का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सम गैसेस जिसमें हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन जो मौजूद हैं उनको जो है हमारे पास प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपके पास जो ऑक्सीजन में होती है बेसिकली वो 97% आपके पास किसके थ्रू जा रही है, आपके रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 3% आपके पास जो होती है वो आपके पास प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती। सो प्लाज्मा ऑल्सो कॉन्टेन अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन भी होती है इसमें, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सोडियम हो गया, आयन्स हो गए, कैल्शियम आयन्स हो गए, बाकी जितने भी आयन्स मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं कि आपके पास जो सेल होता है उसको तक न्यूट्रिएंट्स लेके जाना और फिर उससे वेस्ट लेके आना, हमारे पास ये काम किसका है, आपके ब्लड का काम है। अगर हम इसको देखें तो आपके पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस आपके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और आपके पास जो है जब वहां से वो मूव करते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपके पास जो लंग्स हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है आपके पास रेड ब्लड सेल्स तक पहुंचती है जो कि सिर्फ 97% होती है। जो बाकी 3% ऑक्सीजन होती है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आपका ब्लड प्लाज्मा, वो सेल्स टिश्यूज तक जाते हैं और उसके बाद सेम सिमिलर कंसंट्रेशन सिमिलर परसेंटेजेस के साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है बैक टू द लंग्स। उसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात कर रहे थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारे पास ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इनको स्पेसिफिकली भी डिस्कस कर रहे हैं अभी। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द ब्लड इट इज नेसेसरी फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स टू बी इक्वल। सबसे पहली चीज क्या है कि हमने बात की थी पीएच ऑफ द ब्लड की, तो हमारे पास पीएच ऑफ द ब्लड के लिए जरूरी है कि हमारे पास वो कभी ज्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है। सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास उसी तरह से इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होने चाहिए ताकि ब्लड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किया जा सके, वो उसकी कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नेगेटिव ना हो सके, वो हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में रहे। तो इस वजह से मोस्ट अबंडेंट हमारे पास जो कैटायंस पाए जाते हैं आपके ब्लड के अंदर वो होते हैं जी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और हमारे पास न्यूमरस एन आयंस भी पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास जो हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाते हैं, कार्बोनेट्स आ जाते हैं डिफरेंट। ठीक है, HSO4 भी आ जाता है जो कि हमारे पास कम अमाउंट में पाए जाते हैं, मगर हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास क्लोरीन और जो है मोनोकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स एंड ट्राइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है, द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द केटायंस एंड एनायंस इज नोन एज एनायनिक गैप। एनायनिक गैप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान, आपके केटायंस ठीक है प्लस एनायंस, इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन गैप बोलते हैं। और ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आपके पास आपके ब्लड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को आइडेंटिफाई कर रहा होता है जी, कि आपका ब्लड वाकई में आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर नहीं। आपके पास मोस्ट कॉमनली एक इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट किया जाता है जब भी आप जो हेमाटोलॉजी लैब में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है उसका उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है जी कि आपके ब्लड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को चेक किया जाए कि आपके ब्लड में आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपके पास जो केटायंस और एनायंस की कंसंट्रेशन है वो अप डाउन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो वहां पे सोडियम और पोटाशियम का एक टेस्ट किया जाता है, फिर क्लोराइड और हमारे पास बाइकार्बोनेट्स का एक टेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू हमारे पास ओवरऑल इनकी कंसंट्रेशन का जब हमें पता चल जाता है तो उसकी बेस पर फिर फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा होता है। और अगर
कि आपके पास इस तरह के इश्यूज हो रहे हो तो आपका को डिफरेंट सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, जिसमें आपके पास अगर इलेक्ट्रोलाइट का आपके पास कमी जाती है तो आपको जो सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं उसमें आपकी आईज के सामने अंधेरा आ जाना, आपका जो ब्रेन है उसको ब्लैंक हो जाना, उसके अलावा आपकी बॉडी के शिवरिंग करना, सम टाइम आपका रिस्पॉन्स ना करना, सम टाइम मसल कंट्रेक्शन बहुत ज्यादा होना, तो ये सारे इश्यूज या सिम्टम्स आपको देखने में आते हैं। अब अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आयंस की बात कर रहे हैं तो उसमें सम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो जितने भी हमारे पास हम उनको डिस्कस करते हैं, सोडियम एक इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक आयन जो है हमारे बॉडी में मौजूद होता है। सोडियम की जो कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास है 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर, जबकि सोडियम कैटायन जो है हमारे पास मेन कैटायन है फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, और ये कंबाइन हमेशा किसके साथ होगा, आपके पास क्लोरीन के साथ होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी की हमने बात क्या की थी कि आपके पास क्या होता है, आपने एफएससी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा होगा जिसमें सोडियम को सराउंड किया हुआ है जी डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन ने इसको सराउंड किया होता है और साथ में आपके पास इसके पीछे तो ओवरऑल आपके पास हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या करता है, ये बाइंड करता है वाटर को अपने साथ। जब वाटर को अपने साथ सोडियम हमारे पास फोर वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, क्लोरीन भी आपके पास फोर वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, तो ओवरऑल आपके पास प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मीन वाटर कंटेंट या ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं और बाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आपके प्लाज्मेटिक वॉल्यूम भी इसी तरह से डिटरमिन होगा। हमेशा क्या होता है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर कहता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो आपके पास जो है साल्ट यूज ना करें, उसकी वजह यह है कि आपके पास जो सोडियम है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्या है, आपके पास वाटर के फोर फोर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है क्या करते हैं, बाइंड होते हैं। हर एक आपके पास जो आयन है सोडियम का और आपके पास क्लोरीन का, वो हमारे पास जो है दोनों के दोनों फोर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अगर, तो हमारे पास एक NaCl का अगर आप जो है मॉलिक्यूल है वो आपके पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर ओवरऑल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो कॉन्टेन करता है, ठीक है। तो जब आप जो है ज्यादा साल्ट यूज करते हो तो आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाता है, उतना ही ज्यादा वाटर रिटेन होता है, आपके ब्लड प्लाज्मेटिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपके प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, तो एज क्या होगा फिर आपका बीपी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ आपके पास इसी तरह से अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो आपके पास क्या होता है, आपकी इसी तरह से प्लाज्मेटिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्लाज्मेटिक ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और आपका बीपी डिक्रीज हो सकता है। द लेवल ऑफ सोडियम कैटायंस इज रेगुलेटेड बाय म्यूचुअल एक्शन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। अब यहाँ पे ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके पास सोडियम जो है इंडिपेंडेंटली सारा काम करो, तो उसकी कंसंट्रेशन को भी उसके लेवल को भी मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, और उसमें दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा नेट्रीयूट्रिक पेप्टाइड्स हैं जो जिनको हम ANP एट्रियल नेट्रीयूट्रिक पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है, और ये हमारे पास सोडियम की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन को मॉनिटर करता है। अगर सोडियम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो थ्रू यूरिनेशन इसको एक्रीट आउट किया जाता है, ठीक है, और हमारे पास सम टाइम इसको स्वेशियस टिश्यूज जिसको हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स के साथ भी वर्क कर रहे होते हैं उनके अंदर भी शिफ्ट किया जाता है जो कि हमारे पास फिर स्वेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इसी के साथ सोडियम के साथ पाया जाता है वो होता है क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड आयन जो होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 97 to 108 मिलीमोल पर लीटर तक पाए जाते हैं और मेजर एन आयन है फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास कंपेन करता है, मीन कंपनी देता है आपके सोडियम कैटायंस को और कंट्रीब्यूट करता है आपके पास प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी वॉल्यूम जो कि अभी हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम हमें पता है जी कि ये हमारे पास बोन्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है आपके ब्लड के लिए भी। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम कैटायंस ये कितनी है, 3.8 to 5.2 जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंटली लोअर होती है आपके पास इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास कितनी है, 155 मिलीमोल पर लीटर। तो आपके प्लाज्मा के अंदर फास्फेट कम है, ठीक है, पोटाशियम सॉरी कम है, जबकि आपके इंट्रासेलुलर आपके पास जो पोटाशियम है वो ज्यादा है क्योंकि बोन्स के अंदर ज्यादा डिपॉजिट हुआ होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ओनली 2% जो है हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास पोटाशियम है जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर मौजूद है वो ओवरऑल बॉडी के अंदर जितना भी पोटाशियम मौजूद है उसका सिर्फ 2% होता है, ज्यादा नहीं होता, बाकी जितना भी पोटाशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट हुआ है सारा कुछ वहां पे है। तो ओवरऑल आपके प्लाज्मा के अंदर सिर्फ कितना पोटाशियम मौजूद है, ओवरऑल बॉडी का 2% मौजूद है, बॉडी वेट का नहीं, ओवरऑल पोटाशियम का हमारे पास कितना मौजूद है, 2% मौजूद है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अ मेम्ब्रेन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय पोटेशियम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसी तरह से आपके पास, आपको याद होगा कि आपने एक इम्पॉर्टेंट जो है पढ़ा होगा टॉपिक जिसमें हमारे पास न्यूरॉन्स जो है हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि उनके सेल के अंदर क्या मौजूद है, हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम मौजूद होते हैं, ठीक है, और बाहर क्या मौजूद होते हैं आपके पास, सोडियम मौजूद होते हैं। और जब भी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली जो है हमारे पास एक्टिवेट होते हैं तो सोडियम इनसाइड मूव करता है और पोटेशियम आउटसाइड मूव कर रहे होते हैं, और तब ही वो हमारे पास इम्पल्सिस को पास ऑन कर सकते हैं और वैसे पास ऑन नहीं कर सकते। और इस पूरे प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, एटीपीएस पंप जो है इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व होता है। याद होगा आपको न्यूट्रिशन का वो लेक्चर जिसमें हमने एपिथेलियल सेल्स में मूवमेंट करवाई थी, हमारे पास अपटेक ऑफ ग्लूकोज करवाया था विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस पंप, सोडियम पोटेशियम वहां हमने यूज किया था, ठीक है, वहां हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर्ट एक्टिविटी में भी हमारे पास पोटेशियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन जो है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम है। तो कैल्शियम के टाइम जो है हमारे पास 2.25 टू 2.75 मिली मोल तक हमारे पास जो है इसकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। और हमारे पास ये आयनाइज फ्रैक्शन अगर इसकी बात करें तो हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, आयनाइज होती है और नॉन आयनाइज। तो आयनाइज फ्रैक्शन 1.1 टू 1.4 मिली मोल तक पाई जाती है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन है बेसिकली वो हमारे पास चार तरीकों की पाई जाती है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, और वो हायर होती है देन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन। और हमारे पास कैल्शियम जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है वो दो मेन फ्रैक्शन में पाया जाता है। पहली जो फ्रैक्शन है वो क्या है जी, हमारे पास बाउंड फ्रैक्शन है, मीन ये किसी न किसी के साथ जो है बाइंडेड फॉर्म में मौजूद है। अगर आपको याद हो हमने अभी फिब्रिनोजन की जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जो उसका प्रोसेस पढ़ा था, उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह से कैल्शियम आपके पास जो है ब्लड में मौजूद होगा, पहला क्या होगा किसी के साथ भी बाइंडेड मौजूद होगा, और दूसरा क्या होगा फ्रीली मौजूद होगा। 46% कैल्शियम जो होता है वो हमारे पास प्लाज्मेटिक प्रोटीन जिसमें एल्ब्यूमिन मौजूद है उनके साथ जो है हमारे पास बाइंडेड फॉर्म में मौजूद होता है, साल्ट ब्रिजेस बना रहे हैं। 6% जो होता है हमारे पास वो भी बाइंडेड होगा, मगर वो बाइंड किसके साथ करेगा, स्मॉल एनायंस के साथ करेगा। और स्मॉल एनायंस क्या है, जिसे ट्रेट्स हो सकते हैं, लैक्टेट्स वगैरह हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। और रिमेनिंग 48% की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास फ्रीली हमारे पास मौजूद होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ फिब्रिनोजन और बाकी सारे प्रोसेसेस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, जो ये बाउंडेड फॉर्म में मौजूद है कभी भी ये हमारे पास स्प्लिट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास उन प्रोटीन्स के साथ, उन एनायंस के साथ बाइंड करके अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो फ्री मौजूद है वो फिर बाकी जो है सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। अगर हम कैल्शियम की ही बात करते हैं तो हमारे पास इसका अनदर सिग्निफिकेंट रोल भी है, ठीक है, और वो क्या है कि हमारे पास कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन को जो है स्टेबलाइज भी करता है ऑफ एक्साइटेबल टिश्यूज। इसको कैसे होता है कि जब भी कैल्शियम हमारे पास ड्रॉप किया जाता है आर मोस्ट लाइकली टू अकर, मींस कैल्शियम स्पाज्म होते हैं, आपको ड्रॉप्स होते हैं, कमी की बात कर रहे हैं, व्हेन कैल्शियम जो है वो कम होता है तो आपको स्पाज्म होते हैं, ठीक है, अलाउ द मसल कंट्रैक्शन एंड कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे दो चीजें आपके पास है, पहली है मस्कुलर कंट्रैक्शन और दूसरी है कोगुलेशन। इन दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास आपका जो मसल होता है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ नर्व्स होती हैं, मौजूद होती हैं, जो कि उसकी क्या कर रही है जी, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब क्या होता है कि जब भी उसके पास हमारे पास नर्व से हमारे पास मस्कुलर सेल है, तो ये एक सेल है, इसके साथ ये नर्व अटैच्ड है, ठीक है, इससे जो भी हमारे पास इसके पास सिग्नल आया है वो सबसे पहले आपके सेल के अंदर जाता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देता है। जब वो हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देता है तो अब क्योंकि एक लार्जर पाथवे होता है, मैं सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये कैल्शियम जो है अल्टीमेटली आपके पास कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है। तो जब तक आपके पास कैल्शियम रिलीज हो रहा है आपका मसल क्या करता है हमारे पास कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और जिस टाइम वो दोबारा से नर्व से सिग्नल आता है जी आपने रिलैक्स करना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, दो काम करता है। पहला तो वो ये क्या करता है, इस कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है, दूसरा ये काम क्या कर सकता है, इसको सेल से आउट कर सकते हैं। और जैसे ही कैल्शियम कंसंट्रेशन आपके पास कम होती है तो आपके मसल्स जो हैं वो दोबारा से रिलैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरा काम जो हम जो है ऑलरेडी जो दूसरा इसका फंक्शन था जो कि ब्लड कोगुलेशन क्लॉटिंग है, वो हम फिब्रिनोजन की अभी ऊपर फिब्रिन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसका फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं।
कैल्शियम एक्टिवेट करता है जी कोगुलेशन फैक्टर, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास इसके अलावा दूसरे भी हैं, विटामिन के भी है, फैक्टर टू भी है, फैक्टर सेवन, फैक्टर नाइन, फैक्टर टेन, प्रोटीन सी एंड एस, ये सारे क्या हैं जी, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। ये कोगुलेशन फैक्टर्स जो हैं आपके पास स्पेसिफिकली जब मैकेनिज्म हो रहा होता है कोगुलेशन का, उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और अक्सर लोगों को शिकायत होती है जी कि हमारे पास ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता, उनको विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको साथ में कैल्शियम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, कैल्शियम इनकी बेसिकली एक्टिवेशन कर रहा होता है। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये फर्दर आगे क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। ऑल्सो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द लैक्टेशन एंड इट्स पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स। आपके पास ये बोन मैट्रिक्स के अंदर भी पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है हमारे पास दोनों मौजूद होते हैं। और हमारे पास अगर बात पोटेशियम की बात करें तो सॉरी फॉस्फेट नहीं, दूसरी चीज हमारे पास लैक्टेशन में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आपके पास जो मिल्क होता है इट इज हाईली इनरिच्ड इन द कैल्शियम। उसकी वजह क्या है कि जो बेबी होता है अगर आप उसकी उस टाइम पे एनाटॉमी को स्टडी करें तो उसकी बोन्स होती हैं बहुत ज्यादा वीक होती हैं, वो जस्ट लाइक कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी जितनी भी हमारे पास लैक्टेशन में उसको कैल्शियम मिलता है तो कैल्शियम की वजह से क्या होती है, वो कैल्शियम डिपोजिशन उसकी बोन्स के अंदर होती है। जब बोन्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होती है उसकी बोन स्ट्रांग होती है और ग्रेजुअली वो जो है हमारे पास बैठना शुरू करता है, ग्रेजुअली वो क्रॉल करना शुरू करता है, ग्रेजुअली फिर वो स्टैंड करना शुरू करता है। जब उसकी बोन्स जो हैं इन इस कैल्शियम के थ्रू इस काबिल हो जाती हैं कि वो जो हैं विदस्टैंड कर सकें और होल्ड कर सकें आपकी बॉडी को। सो देयर एग्जिस्ट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लाज्मेटिक कंसंट्रेशन एंड द फ्रैक्शन ऑफ द कैल्शियम इन द बोन टिश्यू। जो चीज मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा, आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम में और आपके पास बोन टिश्यूज के जो है कंसंट्रेशन में। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपका पोटेशियम और आपका कैल्शियम हमेशा जो है आपके बोन्स के अंदर ज्यादा होगा देन इन द प्लाज्मा। और अगर ये प्लाज्मा के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये हमारे पास कैल्सिफिकेशन भी काज कर सकते हैं, बाकी डिजीजेस भी काज कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट आपका रोल परफॉर्म कर रहा होता है आपका थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन, जो कि डिपोजिशन ऑफ दीज आयंस करवा रहे होते हैं इन द योर बोन्स। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है और हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जी कि सारा कुछ जो कि हमारे पास जो है प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम स्पेसिफिकली जाएंगे, हमारे पास हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है रेड ब्लड सेल्स को, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड कंपोजिशन को। रेड ब्लड सेल्स क्या है, वो किस तरह के होते हैं, उनके अंदर किस तरह मौजूद होता है व्हाइट ब्लड सेल, उनकी टाइप्स, उनके फंक्शन, उनके रोल्स एंड स्पेसिफिकली द प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अब आप